हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके लिए कैसे स्टॉक लेकर आया हूँ, बहुत ही मुझे मतलब फंडामेंटली मुझे बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। बस इसमें एक छोटी सी कमी ये है कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 18% 18% की लमसम है, लेकिन कंपनी के कारनामे बहुत ही खतरनाक है। चलो मैं दिखलाता हूँ आपको कंपनी के कारनामे, और इसकी अगर क्लाइंट लिस्ट देखोगे ना तो कहोगे हाँ यार कंपनी कुछ है। तो दोस्तों ये BSE और NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप है 5529 करोड़ का। करंट में प्राइस चल रहा है 27 रुपये, और इसने 109 रुपये का हाई लगा करके 123 रुपये का लो बनाया है। और स्टॉक भी है 4.05, बिल्कुल सस्ते में ये स्टॉक मिल रहा है, पी के हिसाब से बहुत सस्ता स्टॉक है। बुक वैल्यू है 30, और कंपनी 1.09% की डिविडेंड प्रोवाइड करती है। ROC है 2.29, ROE है 21%, फेस वैल्यू 2 रुपये के प्रमोटर के पास 18% होल्डिंग। डेप्ट टू इक्विटी से 0.1 कर्ज नहीं है, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। एनुअल प्रॉफिट देखोगे तो 912 करोड़ का एनुअल प्रॉफिट है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है। इंडस्ट्रीज भी है 30, EPS 6 रुपये की, फ्री कैश फ्लो 81 रुपये की है। थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट ये कि प्रमोटर की होल्डिंग 4% की प्लेज है, गिरवी रखी गई है। और अगर हम लोग आए प्रोस की तरफ तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.89 टाइम इट्स बुक वैल्यू। कंपनी अपनी बुक वैल्यू से ना नीचे ट्रेड कर रही मिल रही है आपको। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी अच्छा रिजल्ट ला करके देगी। IT सॉफ्टवेयर सेक्टर की स्टॉक है। कंपनी सॉफ्टवेयर मीडियम और स्मॉल लेवल में कामकाज करती है। और क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए, दिसंबर वाले क्वार्टर में इन्हें 816 करोड़ का क्वार्टरली रिजल्ट ला करके दिए कंपनी। मतलब क्वार्टरली बेस पे देखो तो हर क्वार्टर में बहुत अच्छा प्रॉफिट ला रही है कंपनी। हर क्वार्टर में बहुत शानदार प्रॉफिट लेकर के आ रही है। दिसंबर वाले क्वार्टर में देखो 816 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाई है। सितंबर वाले क्वार्टर में 510 करोड़ की, जून वाले क्वार्टर में 456 करोड़ की, जून मार्च वाले क्वार्टर में 384 करोड़ की। तो क्वार्टर वाइज बहुत शानदार प्रॉफिट लेकर के आ रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 544 करोड़ के इनके पास नेट प्रॉफिट है। दो दिसंबर वाले क्वार्टर में, सितंबर वाले क्वार्टर में 321, जून वाले क्वार्टर में 277, और मार्च वाले क्वार्टर में 223 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मतलब क्वार्टर वाइज बहुत शानदार प्रॉफिट लेकर के आ रही कंपनी, बहुत अच्छा पैसा बना रही है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेस पे देखें तो DTM में देखो 2165 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और 2022 में 1500 का है, 2021 में 865 का है, 2020 में 789 का है, 2019 में 769 का नेट प्रॉफिट है। मतलब ईयरली बेस पे भी कहीं ना कहीं ये स्टॉक बहुत ही अच्छा पैसा बना करके ला रही है। बट स्टॉक की प्राइस देखो वो नीचे की तरफ आ रहा है, अभी मैं दिखलाऊंगा। प्रॉफिट तो बहुत शानदार आ रहा है, ऊपर की तरफ भागता हुआ आ रहा है, रॉकेट बना हुआ है, लेकिन उसकी स्टॉक प्राइस देखो तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं RVNL जैसा इसमें भी है। RVNL में क्या था, प्रॉफिट लगातार बहुत शानदार आ रही थी, बट इसका ग्राफ, स्टॉक का ग्राफ नीचे भाग रहा था, और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो कई सौ पर मतलब 100% से ओवर का ब्रेक प्रॉफिट बना करके कंपनी ने दी है RVNL ने। तो सेम उसी तरह का इसमें पैटर्न हो रहा था। ऐसे स्टॉक में डेफिनेटली एक पैसा इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 1365 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ TDM में। 2022 में हुआ 912 करोड़ का, 2021 में हुआ है 483 करोड़ का, 2020 में हुआ है 440 करोड़ का, 2019 में हुआ है 444 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखोगे 10 साल में 15%, 5 साल में 15%, 3 साल में 25%, TDM में 62% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखो। 10 साल में 17%, 5 साल में 16%, 3 साल में 27%, TTM में 65%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल में 1%, 5 साल में 59%, 3 साल में 125%, 1 साल में -74% लॉस है निगेटिव में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 10 साल में 18%, 5 साल में 17%, 3 साल में 18%, लास्ट ईयर 21% है। अगर बैलेंस शीट चेक करें कंपनी की तो बॉरोइंग देखो 0 है, कंपनी में कोई भी कर्ज नहीं, बिल्कुल कर्ज मुक्त है। रिजर्व कंपनी का 5,5776 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है। कैश फ्लो की बात करो कि तो 287 करोड़ के पास कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो 618 करोड़ नेट कैश फ्लो भी है। अगर हम लोग आ जाएं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे 36, तो ये होल्डिंग 18.47% की होल्डिंग दिसंबर वाले क्वार्टर में, सितंबर वाले क्वार्टर में भी है,
सेम होल्डिंग था। जून वाले क्वार्टर मार्च 2022 से सेम क्वार्टर होल्डिंग रहा है, लेकिन उससे पहले ये होल्डिंग ज़्यादा हुआ करता था, बट डिक्रीज होने की वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई, बट अभी कॉन्स्टेंट्स हैं, एकदम बढ़िया है। और इसमें देखोगे तो FIIS की होल्डिंग इंक्रीज होती हुई दिखी, 14.55% की हो गई, पहले 7.25% की होल्डिंग हुआ करती थी। कुछ टाइम भी पर FIIS ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज बिल्कुल कर दी थी, उस टाइम जून 2021 चल रहा था तो 0.19% की होल्डिंग हुआ करती थी, बट अभी 14.55% की होल्डिंग है। अब दिसंबर वाले क्वार्टर में और इंक्रीज की है इन्होंने अपनी होल्डिंग, तो DIIS की पास 0.06% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 66.91% की होल्डिंग है। अगर पब्लिक के अंदर चलोगे तो पब्लिक के अंदर देखा जाए तो कुछ परसेंट की होल्डिंग है, कुछ परसेंट की होल्डिंग है पब्लिक के पास या इंडिविजुअल के पास, तो काफ़ी अच्छा पैसा लगाया है इंडिविजुअल ने भी। और लेकिन कंपनी की सारी चीज़ें एकदम बहुत बढ़िया, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है फंडामेंटल को देखते हो, बट क्या है, एक कमी है, प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ा सा कम है, 18.47% है, बाकी सारी चीज़ें एकदम पॉजिटिव है। दोस्तों स्टॉक का नाम बताने से पहले बता दूँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और भी और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो जलवन का आप स्टॉक का लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन करो और आप भी इन्वेस्टमेंट करो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में। तो चलो हम स्टॉक का नाम बताते हैं, तो इस स्टॉक का नाम है BCG, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, BCG। अगर हम कस्टमर बेस सर्विस इनके सर्विस पे आ जाएं, कस्टमर जो बेस इनका इनका कस्टमर जो है, द कंपनी प्राइमरली क्लाइंट आर इंड टू इंड एडवर्टाइज एजेंसी एंड पब्लिशर इंक्लूड एड एक्सचेंज एंड नेटवर्क लाइक याहू, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूनिलीवर, ग्लोबल्स, स्फेयर मीडिया, पेटको। तो ये सारी दिक्कत जो कंपनी है, ये इनकी क्लाइंट है, याहू हो गया, गूगल हो गया, गूगल को कौन नहीं जानता आज, ये इनके क्लाइंट है दोस्तों। तो ऐसी कंपनी फ्यूचर में कहीं ना कहीं मल्टी वैगर साबित तो होगी होगी, बट क्या है, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा संयम बरतना पड़ता है स्टॉक के अंदर। फंडामेंटल तो हमें बता रहा बहुत अच्छा, लेकिन हमें थोड़ा सा बाय, देखो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं बाय करने के 2 महीने में भाग जाते हैं, रॉकेट बन जाते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं 6 महीने लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं, 3 साल लगाते हैं, लेकिन जब पैसा बनाएंगे तो छप्पर फाड़ के पैसा बनाएंगे। तो रेवेन्यू की अगर बात किया जाए तो कंपनी मेजरली रेवेन्यू आता है नॉर्थ अमेरिका से, इनके पास 52% की रेवेन्यू होती है, फ्लोट वाइज साउथ अमेरिका से 20% की रेवेन्यू आती है, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट से 17% की, एशिया से 7% का, ऑस्ट्रेलिया से 4% का रेवेन्यू आता है। तो हम लोग सीधा चलते हैं टेक्निकल पे और देखते हैं हमें कहाँ बाई करके चलना चाहिए। वैसे ये स्टॉक बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो दोस्तों ये स्टॉक कभी आपको इस लेवल में मिला करता था, 2 रुपये के लेवल में मिला करता था। देखोगे अगर आप तो 1 जुलाई 2016 से 2021 तक 4-5 साल लगातार एक रेंज में रहा कंपनी, और इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी एक रेंज में कंपनी रहे तो वहाँ बाई करो तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट होगा। तो जब इसने ब्रेकआउट दिया 4.35 रुपये का, सीधा देख रहे हो 4 रुपये से सीधा कहाँ गया है, सीधा ये गया है 122 रुपये के रेंज तक। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, पंप एंड डंप का स्कीम लागू कर देते हैं सब ऐसे स्टॉक में जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, ठीक है, ऐसे स्टॉक में क्या होता है, पंप एंड डंप ऑपरेटर बैठे होते हैं, ज़्यादा पैसे जिनके पास होते हैं वो पैसा लगाए जाते हैं और खूब ऊपर लेकर के जाएंगे जब तक कि रिटेल की एंट्री ना हो जाए, रिटेल की एंट्री जैसे हुई फरफराना स्टार्ट, गिरना स्टार्ट। तो यहाँ भी वही हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है ऑपरेटर एंट्री किए हैं, स्टॉक को बहुत ऊपर लेकर के गए हैं, अब वहाँ से ये स्टॉक जब उनका पैसा निकल गया, रिटेल एंट्री मारी है, अपना पैसा उन्होंने निकालना स्टार्ट किए हैं, और रिटेल की एंट्री इन जगहों पर होना स्टार्ट होता है जहाँ नीचे गिरना स्टार्ट होता है, तब रिटेल ऊपर के लेवल फंसता है और फिर बोलता है यार मेरा तो लॉस लग गया। लेकिन उन्हें ये बात नहीं समझ में आती कि आपको नीचे बाई करना था,
यहाँ पे नहीं बाई करना था। अगर नीचे बाई की हो ऑपरेटर की एंट्री होती तो ऑपरेटर के साथ साथ आप रहोगे तो डेफिनेटली आपको जब प्रॉफिट हो जाए तब अपना कैपिटल बाहर करके प्रॉफिट छोड़ रहे हो तो आपको उतना लॉस तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी ये एक रेंज है, अभी ये नीचे आ रहा है, हो सकता है इस रेंज में रुके। ठीक है, 24 और 19 रुपये के रेंज में रुके ये स्टॉक, तो इस रेंज में बाई करके चल सकते हो ऐसे स्टॉक को। और क्योंकि इनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रही है, बस एक ही कमी है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है। और 18% की होल्डिंग ठीक है, बहुत कम भी, बहुत कम तो है ही, लेकिन समझ लो बहुत ऐसा पैसा है उस होल्डिंग में, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। अब वो होल्डिंग बिकने वाला नहीं है, अगर बिकेगा तो इन्हें अपनी 64% 64 रुपये के लेवल को दिखलाना होगा, या फिर 34 रुपये के लेवल को, 34 को ब्रेकआउट करके इस लेवल को दिखाना होगा, तभी अपनी कैपिटल निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ बाई करते हो इस लेवल पे 70 रुपये 64 रुपये के लेवल पे जाते जाते आपका पैसे कई गुना मल्टीप्लाई होता है। जब मैंने क्या बताया कि जब भी 100% प्रॉफिट दे तो आप अपना कैपिटल बाहर कर लो, प्रॉफिट छोड़ दो, समझ में आ रही बात। प्रॉफिट रहेगा तो जीरो हो या हीरो हो। तो मेरा ही बस यही छोटा सा प्लान है कि आप यहाँ बाई करके चल सकते हो, और मेरे हिसाब से बहुत सस्ता स्टॉक मिल रहा है और पीए के हिसाब से भी। तो फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया था, ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आपको एंट्री करना हो तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हो।